Hi friends, good morning. Now we will start chapter 1, real number, class 10. So today we will discuss Euclid division lemma. What is Euclid division lemma? Actually Euclid division lemma किसी भी two number के हमको LCF find करने के लिए use करने का एक method है, उसको हम Euclid division lemma कहते हैं, है ना? LCF means highest common factor. So what is Euclid division lemma? If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition. अब condition क्या है? A equal to b cube plus r, where 0 less than equal r less than b. Means that अब इसका मतलब क्या है? Actually मतलब मैं आपको समझाता हूँ. For example, suppose that आपने किसी number को लिया. ये ठीक है, मान लीजिए दिस इज ए, राइट? अब आपने डिवाइड किया किससे? बी से, राइट? एंड आपने इसको बी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा. और यहाँ जो भी आया है ना, उसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, राइट? है ना, ये तो डिवीजन करने का एक मेथड हो गया. अब इसको इक्विवेलेंट डिवीजन लीमा में कैसे फाइंड करते हैं? जैसे एससीएफ, तो हमने क्या लिखा? देखो b मतलब क्या हो गया? डिविडेंड. और a मतलब क्या हो गया? डिविडेंड. तो हमने लिख दिया डिविडेंड इक्वल b मींस क्या हो गया? डिवाइजर हो गया. सो दिस इज डिवाइजर प्लस डिवाइजर इनटू q मींस क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया प्लस r फॉर रिमाइंडर. So, ये हमारे इक्विटी डिवीजन है. फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इक्विटी डिवीजन लीमा का यूज हम कार्य में एससीएफ फाइंड करने में करते हैं. तो हम एससीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताते हैं, है ना? इस थ्योरम पर इक्विटी डिवीजन लीमा इसका यूज कहां करते हैं वो मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए फाइंड द वन क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया, फाइंड द एससीएफ ऑफ आपने ले लिया मान लीजिए 20 and 4 and 20 का आपने LCM निकाला, sorry SCF फाइंड करना. So how to find SCF मतलब राइट, अपने को मालूम है SCF में क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं. तो अपन ने लिख लिया मान लीजिए आपने यहाँ पे निकाला 20 2 10 2 5 5 1 5, राइट? एंड 4 2 2 2 1 1 and 1 1, राइट? तो 20 का फैक्टर क्या आ गया? 2 into 2 into 5 एंड 4 फैक्टर आ गया 2 into 2 into 5 विच इज कॉमन. सो दिस इज कॉमन 2 and 2. तो SCF इक्वल टू वन पेयर इज, सो दिस इज 2, सेकंड पेयर इज 2, सो दिस इज SCF इज 4. बट this is your answer, but how to find with Euclid division lemma algorithm? Euclid division algorithm से हम SCF कैसे find करते हैं? So how to find the SCF with Euclid division algorithm? Okay, so इसी question को हम उससे find करते हैं. तो क्या हो गया हमारे पास? First we will take the which is so example is 20 and 4, right? इनका हमको SCF फाइंड करना है विद इक्विटी डिवीजन से, राइट? सो हाउ टू फाइंड? सो फर्स्ट वी सी दैट व्हिच इज ग्रेटर नंबर, सो दिस इज 20, सो 20 इज ग्रेटर नंबर, देन स्मॉलर नंबर 4. सो नाउ वी विल डिवाइड स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर. ओके, ग्रेटर नंबर में हम 4 से डिवाइड करते हैं. तो 4 5 जा 20, सो दिस इज 20, राइट? 0 0, सो रिमाइंडर इज 0. सो चेंज इन द इक्विटी डिवीजन कंडीशन, सो ए मींस दिस इज ए एंड बी मींस दिस इज बी एंड क्यू मींस दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, राइट? एंड इसका क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय? सो 0 मतलब किस किस के बीच में होना चाहिए रिमाइंडर? 0
के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, बट लेस देन बी, मतलब बी का वैल्यू कितना है, फोर, फोर से कम ही होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है और फोर से कम होगा, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखो बी क्या है, बी मीन्स फोर लेस देन रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो लेस देन इक्वल जीरो, देखो जीरो के इक्वल आ रहा है रिमाइंडर। ओके, तो अब इसको इस फॉर्म में राइट करना है बस, तो कैसे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। सो ए मीन्स, ए मीन्स 20, सो दिस इज 20, एंड बी, बी मीन्स दिस इज डिवाइजर 4 इंटू क्यू क्वेश्चन 5 प्लस रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर किसके करने से, किस किस चीज से डिवाइड देने पे 0 आया, तो हमें मालूम है हमने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर को, 4 से डिवाइड किया 20 को, तो रिमाइंडर कितना आया 0, राइट। तो हमारा क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एस सी एफ इक्वल टू 4, है ना, 4 से डिवाइड करने पे आया ना 0, इसलिए एस सी एफ क्या हो गया 4। देखो वो था सेम आंसर, बस यही हमारी इक्वली डिविजन लीमा है, इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। एस सी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वली डिविजन लीमा का यूज हम लोग करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ फिर मिलेंगे। ओके।